जय दोस्त, मैं आपका दोस्त सर्वेश एनआईएस फिजिकल बॉक्सिंग कोच। दोस्त 10+2 जो एसएससी के माध्यम से भर्ती आती है वो आप लोग के लिए आ चुकी है। एसएससी HSSL 10+2 रिक्वायरमेंट 2020 की वैकेंसी है, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड 10+2 CHSL रिक्वायरमेंट 2020, इसके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है आप लोग के सामने। rozgarresult.com से जाके इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका बाकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 6 नवंबर 2020 से फॉर्म भरना स्टार्ट है और इसकी लास्ट तिथि जो होगी फॉर्म भरने की 19 दिसंबर 2020 तक है, और इसका जो पेमेंट देने की आखिरी तिथि है 21 दिसंबर 2020 है। पेपर की स्टार्टिंग तिथि 12 से 27 अप्रैल 2021 के बीच इसका पेपर भी हो जाएगा, और इसके अलावा इसमें महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसमें महिला पुरुष के लिए आवेदन करने का अच्छा मौका है। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये फीस, एससी एसटी पीएच और हर जाति की महिला के लिए किसी भी प्रकार की फीस इसमें नहीं रखी गई है, तो ये सुनहरा अवसर है। इसमें महिला पुरुष दोनों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दे सकते हैं। आप ऑफलाइन भी पेमेंट दे सकते हैं जो कि बैंक चालान के माध्यम से होगा, तो आप ऑफलाइन बैंक चालान के माध्यम से देख सकते हैं। एज की गणना 1 जनवरी 2021 को की जाएगी। मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष होगा। फॉर एज रिलैक्सेशन डाउनलोड एडवर्टीजमेंट, यानी इसका एडवर्टीजमेंट जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके नियमानुसार आपको छूट मिलेगी। LDC, JSA, PASA, DEO के लिए इंटरमीडिएट पास इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड, यानी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने केवल इंटरमीडिएट पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। DEO के लिए जो वैकेंसी है उसमें इंटरमीडिएट पास साइंस विथ मैथ्स एस अ सब्जेक्ट फ्रॉम एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड, यानी आपको इंटरमीडिएट क्लास साइंस से पास होना जरूरी है, जिसमें मैथमेटिक्स भी साथ में होना जरूरी है। कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था से आप पास होने चाहिए। नॉट अवेलेबल इन एडवर्टीजमेंट, यानी इंटरमीडिएट क्लास पास जो कैंडिडेट है एडवर्टीजमेंट देख लें, पढ़ लें, उसके अनुसार ऑनलाइन अपना फॉर्म को अप्लाई करिएगा। ऑनलाइन मोड से फॉर्म को अप्लाई करना है तो ऑनलाइन मोड पर जाकर सामने क्लिक बटन पर क्लिक कर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डाउनलोड मोड पर जाकर फॉर्म को क्लिक कर फॉर्म को पूरा डाउनलोड कर पूरी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी आप पूर्णतः ले सकते हैं। तो 6 नंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और 19 दिसंबर 2020 तक फॉर्म भरा जाएगा। 21 दिसंबर 2020 को इसकी लास्ट तिथि है, तो समय रहते अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। बस अब एकदम आपके लास्ट चरम पे है, अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो भर लीजिए। जनरल ओबीसी को 100 रुपये, एससी एसटी और पीएस फीमेल के लिए किसी भी प्रकार की इसमें फीस नहीं लगेगी। समय फॉर्म भर लेंगे, तैयारी करिए और सफलता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करिए। तो दोस्त, वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, और पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।